वैसे उस्ताद जी किसे चैनल ते एज ए मेहमान जाना जड़ा वो एक बड़े क्रेडिट दी गल हुंदी है। मेरे लिए तू बाहर बह जे मेरा भरा जी। हाँ जी नहीं बाहर क्यों बवा मैं? तू बाहर बह, अंदर शो हो रहा, मैनू उन्होंने एज ए गेस्ट बुलाया यार। सर एज ए गेस्ट मैनू ही बुलाया, तुहानू मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप ते? मैसेज तू पढ़िया लिखिया हुंदा ते तैनू पता लगदा, वो लिखिया ओनली सलीम अल बेला। अगे पी भी पढ़ना सी, पी भी लिखिया। पी दा मतलब पाकिस्तान पसरूरी ना, पसरूरी हर पी ना पसरूरी नहीं हुंदा। गनमैन तेरा फैन है ना, तू ओहदे को बाय, मैं बस आ रहा। यार मैं भी नाल जाना वा। तू नाल जाना, तू मैं जोगी हां भी मैं जाना तेरे नाल। नहीं पाया मैं बेस ला के आया वा पूरी। केड़ी बेस ते तू मेरे नाल अंदर जाना? मैनू ये गेम बेस ते ओ कॉमेडियन आ पा, मैं भी अंदर शो शुरू हुआ वे। चलो मैं भी जाना वा। तू किधर जाना यार, गोगे मैनू भी कढाउणा, तू जा मेरा भरा। तू कड़ा अंदर जाके फीता कटना, तू सुन बह के भी की हो यार। सुन मेरे को अंदर नहीं सुनया जांदा, बोला हो जांदा मैं अंदर जाके। आ कोट मैं पा के आया, मैं तैयारी करके आया वा। ओ वीरे शोआ चेंज नहीं हुंदा, इहदे वलीमे ते हुंदा भी चल कोई गल नहीं, तू भी खा ला रोटी। ओ भाई मैं सारे पिंड नूं कह के आया वा, ओ वेट च बैठे टीवी दे अग्गे कम छड के बैठे आ। ओ तेरे कदर कम केड़ा करदे, ओ ते वैसे ही वेले आ। पर यार इधर आ, मैं कल्लिआं नूं नहीं जाण देणा। सारे पिंड नूं दस शफीक चिश्ती है, तू भी मेरा कबड्डी का मैच है। अच्छा चपेड़ा वाली कबड्डी बहुत अच्छी खेलता, तो तुम भी खा लैनी है इसे चक्कर। नहीं इज्जत वो होंगी गोगा, जो मतलब बुलावे हूँ बदोबदी नाल तू जाना। अगले कहेंगे जी आप कौन है जी, किधर आ गए? हाँ जी मैनू भी लैके जाओ नाल, की हो गया? हेलो जी अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जुनैद, कैसे हो आप? ठीक हो? आप तो इनवाइटेड नहीं थे सर। मैं एक्चुअली बेस लगा के आया हूँ और मैं इसी बेस पे इधर आया यार। इस बेस पे आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। डीएच रहता जी बेस टू च। अच्छा ये बेस लाग ना, बेस बदल लेंदा। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज आप मेरे साथ जरा जफ्फी तो डालें। पाओ जी जुनेद साहब, तुम भी बड़े बड़े बंदे जफ्फी पाई, अज पाओ। हाँ ये तीन दिन ताड़े जो स्मेल चले जाए तो मैं फड़ लें। मरे अपना मथा वे जिवें मोमबत्तियां लाण वाली फड़ी हुंदी। अच्छा प्लीज तमाम करैक्टर और जो एक्टर हैं सुन ले, लिसन टू मी। मुझे इधर सिचुएशनल कॉमेडी चाहिए, मुझे ये सीधी बातें बातें जो फेस पे आप करते हैं तो इससे जरा थोड़ा अवॉइड करें। जुनैद भाई साहब बेटा उठ जाओ, वो कभी भी इस तरह खड़े हुए उठ जाओ। वो होस्ट है, तुसी भी मैनेज करने लग पे हो। अच्छा पता की इस तरह कुर्सी भी पैड़ी लगन लग पे। अच्छा तुहानू पता जुनैद साहब उधर क्यों गए ने? हाँ वो डर के गए ने भी की बह गए। जुनैद साहब दी टेबल ते लगदा लाइट चल गई है। नहीं यार यार मुझे तो बहुत ग्रेसफुल लग रहा है यार। मैं तुहाडे सब ना डिसएग्री करदा वा, एंकर पर्सन दा कोई ऐसा इशू नहीं हुंदा, सिर्फ कोट हुंदा ते बस खत्म। इत्थे एजुकेशन हुंदी है। अपनी इमान नाल दस वी आ हाथ किसे एंकर दे है ने? आप देख रहे हैं देश बुक और मैं हूँ जुनैद गोगा। मरण गोगा जुनैद साहब, ए बेटे का तुसीं दस्सिया ही नहीं किसे नूं। गोगा जी जो तुसीं ऐसे एंकर बहना ही है ना, आ टेबल कुर्सी का ना रंग बदल लो। यार बिल्कुल तुहाडे रंग ना मैच हो गया, इंज लगता ही नहीं, इदा लगता कला कोट गल्ला करंदे आ। यार आप बात भी अच्छी करते लेकिन क्रंची किया करे ना, ये लेंथी हो क्रंची। यार तुसी देखो के इस चेयर दी ते टेबल दी किन्नी ग्रेस सी। हां जी दिलो ही लै गई अज। सर विक्की साहब एडे बेवकूफा, पाइया अंब लै के सर्दखाने दे बाहर फेर दे, कहने ठंडे करने। बहुत अच्छी गल्ला कर यार आपने दुनिया में देखा कहीं पे एंकर के गिची में किसी ने मारी है? अच्छा और कीन शाह बन गए साहब। अच्छा पुत्र ऐ सीट ते बैठन वाला जेड़ा ना वो फिक्का कहंदा हुंदा, फिक्की करदा नहीं। चलो जी सब अगर इत्थे बैठ ही गया ना ते फिर अगो टेबल चुक के इधर ले आउंदे। ओ यार की है टेबल दा की है, इहदा 150 वखरा लै लियो। यार मैनूं इह दसो यार लिखिया की है? ये तेरे नसीबां दा नहीं लिखिया। उठो उठो सर आए, सॉरी मैं आपको जो मर्जी करते।
तो नाजरीन आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, छोटा सा, थोड़ा सा भी लंबा हुआ तो मैंने उठा देना। छोटा सा मैसेज ये है कि ये एंकर है, तमाम बच्चे टीवी से दूर रखें और खाने पीने की चीजें पीछे रखें। इसका शो शुरू होने लगा, आपने टीवी बंद कर दे, आपने खुद ही ब्रेकों पे जाना है। छोटा है मैसेज दो, तो जो नई नस्ल है लो जी खत्म हो गया। मेरे नाल ही काम कर रहा ते एंकर नूं नहीं पता भी कौन यानी फेमस दा तुसी रेटिंग देखो किन्नी आ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਸਰ ਸੌਰੀ, ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਚੱਲ ਉੱਠ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖੇ, ਐਸਾ ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਅਲੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। कैमरे बंद है, तू घंटे का जो बोल रहा नहीं लगना। इथे बह के किहड़ा कोई ऐसा, यही कहना खुश रहे खुश रखे। गल मुक गई, अगे एक्टर जानन विक्की बब्बू साहब, वह करन ना मरण उन्होंने। आहो यही आ एंकर पर्सन, और की है बिल्कुल सही गल। या तो होवे ना भी आ सामने मेरे रिसर्च पई है, मैं तुम दसा खाली है। अच्छा जनेश साहब, इतने कितने बेहोश करने वाली दवाई पई थी? जनेश साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करें खोल के। ये आपने क्यों ढांपा हुआ है मुझे? आपकी वजह से। क्यों? इसलिए कुर्सी को तो मैं दुलवा लूंगा, इसको नहीं दुलवाया जाता। उसी कुर्सी की गल करते, पूरा स्टूडियो सर्विस होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है बबू साहब, आप दुबई में यार खलो जा, बेच किड़ा इंटरप्ट करता ही एंकर, कभी देखा किसी एंकर भी सज्जे पासे बंदा खलोता हो? ये शुक्र कर खब्बे खलोता, जिहो जिहा तू शो करे तेरे सज्जे खब्बे खलोने चाहिए। यार उन्हां दे इत्थे लगी हुंदी आ, लगी हुंदी ना विक्की साहब। हां जी हां जी। ते ओह उत्थों फिर कहिंदे आ वी आ गल करो या ना करो। ए मेरे सराहणे खिलारता तुसीं। तो बब्बू साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप दुबई से वापस क्यों आए? वाए यार, मैं 10,000 बारी दस रहा, एक बारी फिर दस दे मामा, पैसे नहीं लेंदा तू शो दे, ये दस दे। मैं दुबई से इसलिए आया हूं कि इन्हें खबर दे। यार जो कितनी दफा बता चुके हो, 10,000 दफा। हां जी, इसको 150 से जरब दो। 10,000 दफा बताई होती तो आप चुप हो जाते। मैं भी गोगे तेन एक गल दसा। जी जी। यकीन कर, जिस तरह का हुण एक्सप्रेशन हो गया ना भाई दा, हुण तेरा थप्पड़ खाने का टाइम हो गया। नहीं नहीं, और उकाड़े वाली चंड मारदे ने, और ऐसी मारदे ने कि बंदे नूं अपनी सीट भी भुल जांदी है। कोई नहीं, मेरी जॉब च शामिल कर दो। तेरा एंकर है जिहड़ा इत्थों तिकर उहदा सिर हुंदा, मैनूं इह दस। यार ये कोई एंकर सिर दा नाप लै के बनाउंदे आ? ਚੱਲ ਉੱਠ ਖਲੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਲਈਦਾ। ਅਗਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਸਟਰਗਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੌਟ ਸੀਟ। ਅੱਛਾ, ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਤੇ ਸੀਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਫੇਅਰ ਬੇਟਾ। ਨਸੀਮ ਤੁਮ ਬਤਾਓ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਥੀ? ਨਸੀਮ ਤੁਮ ਬਤਾਓ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਬ੍ਰੇਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ।